नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। अफगानिस्तान से हारने के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों के लिए आज का मुकाबला काफी मुश्किल भरा होगा। जो भी टीम आज जीतेगी वो अपनी जगह बनाएगी सुपर फोर में। ग्रुप बी में जो टीम सुपर चार में अपनी जगह पहले ही बना चुकी है वो है अफगानिस्तान, जिसने अपने खेल का जबरदस्त प्रदर्शन किया और एशिया कप के पहले मुकाबले में श्रीलंका को एकतरफा मैच में 8 विकेट से हरा दिया और फिर दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। अब आज के मुकाबले में भिड़ने वाली टीम के ऊपर जीत का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि जब टीम का ध्यान सिर्फ जीत पर हो तो मुकाबला रोमांचक होना तय है और यही हमें आज देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जिसके गेंदबाज के सामने शॉट लगाना मुश्किल होगा और कुछ बल्लेबाज भी ऐसे हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। बल्लेबाजी में जहां एक तरफ होंगे प्रथम शनाका, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से होंगे शब्बीर रहमान। वहीं ऑलराउंडर के तौर पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब खुद कमान संभालेंगे तो वहीं श्रीलंका के कप्तान धनुष शनाका अपनी टीम की तरफ से नजर आएंगे। गेंदबाजी में जहां एक तरफ होंगे मुस्तफिजुर रहमान, तो वहीं श्रीलंका की तरफ से कहर भर पाएंगे चामिका करुणारत्ने। तो आज का मुकाबला दोनों ही टीम के लिए काफ़ी बड़ा मुकाबला होने वाला है। ऐसे में कौन सी टीम जीतेगी और बनाएगी अपनी जगह सुपर चार में, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस मैच को लेकर और कल हुए मैच को लेकर भी हम आपके साथ क्रिकेट केसरी के लाइव शो पर जुड़ेंगे, जहां हमारे साथ होंगे प्रवीण यादव और परविंदर शारदा जी। तो फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।